तो हाय गाइस, रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में, जो कि ये वाला अलग होने वाले हैं और ये सिंपल सा 3D में जो आपके अलग ही लिखा हो रहेगा टेक्स्ट लिखने वाले हैं। जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने एक डार्क पेंसिल को ले लिया है एंड यहाँ पहले मैं आई लिख लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ। आप देख सकते हो पहले मैं आई लिखने के लिए और ऊपर से लाइन खींचकर एक जस्ट उल्टा एल जैसा लिखूंगा, और यहाँ पे अब मुझे लव लिखना है। तो यहाँ पे एल लिखने के लिए पहले मैं एक लाइन खींचूंगा और उसके ठीक नीचे एक लाइन खींचूंगा जो कि आई के जैसा दिखेगा, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ऐसे जाने के बाद आप थोड़ा सा, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो अभी आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। तो अभी ओ लिखना है हम लोग, तो ओ की जगह हम लोग को यहाँ पे सी जैसा कुछ लिखना है एंड ऊपर से थोड़ा सा मोटा एंड नीचे हल्का पतला रखना है, और इस तरफ से फिर हमको उल्टा ओ को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे उल्टा सी का उपयोग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो एंड भी लिखने के लिए एक सी थोड़ी सी तिरछी लाइन खींचेंगे, और इसके बाद हम लोग एक और लाइन खींचेंगे हम लोग जहाँ पे हम लोग को वी लिखना होता है। तो नीचे से पहले एक थोड़ा सा लाइन खींचेंगे ऐसे माइनस जैसा एंड फिर इसे ऊपर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से 3D में जो है हमारा वी लिखा चुका है, एंड यहाँ पे हम लोग को अब ई लिखना है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक यहाँ से एक लाइन खींचेंगे एंड फिर नीचे एक माइनस की ओर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो फिर उसके बाद हल्की सी ऊपर लेके जाना है एंड इसके बाद जस्ट सटे हुए ही ऊपर से एक और लाइन खींचकर ऊपर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे मैं ले जा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, आप देख सकते हो। और ऐसे कॉपी पे आप अपने पेन से या फिर मार्कर से ट्राई कर सकते हो बोर्ड पे। तो ऐसा कुछ हमारा ई कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। एंड ई लिखने के बाद अब हम लोग को वाई लिखना है, तो हल्की सी तिरछी लाइन खींचेंगे एंड ऐसे कुछ हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एंड फिर से एक बहुत ही तिरछे तरीके से लंबा सा खींचेंगे एंड एक सीधा लाइन खींच के इसे आप यहाँ पे थोड़ी सी माइनस जैसा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब वाई हमारा लिखा चुका है। एंड हम लोग वो लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको सी लिखना है और उसके जस्ट उल्टा सी को कर देना है, लेकिन उससे साइज में थोड़ा जो सेकंड वाला है वो बड़ा लिखना है, ताकि हमारा जो ओ है वो थोड़ा 3D में दिखे और लगे कि नहीं कुछ यूनिक टाइप का लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीका से मैं इसे बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे यू लिखने के लिए हम थोड़ी सी एक लंबी खींचकर थोड़ी सी ऐसे एल जैसा ही लिखेंगे छोटी वाली, एंड यहाँ से जस्ट उसको उल्टा कर देंगे। तो हमारा जो 3D में लिखा हुआ है आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं लिखा, बस आप देख सकते हो पूरी तरह से लगभग जो हमारा 3D आई लव यू टेक्स है हमारा लिखा चुका है। एंड बाकी जो है आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो, आप सिंपल सा बना सकते हो इसे, बहुत ही हार्ड नहीं है, मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। बाकी आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और बता देना कि आपने ये ट्राई किया या नहीं। तो आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।